पंडित रामकृष्ण, हाँ। आप ही की कमी थी बस। गुरुजी, ये कौन है जो बिल्कुल सही समय पे आया है? प्रणाम महाराज। प्रणाम नरसिंहवर्धन जी महाराज। प्रणाम प्रणाम। ये युद्ध नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों क्यों पंडित रामकृष्ण? महाराज, युद्ध करने से कोई लाभ नहीं है। जिस प्रयोजन से आप दोनों युद्ध करने आए हैं वो सफल नहीं होगा। ये यहाँ क्यों आ गया? आपको कैसे ज्ञात हुआ कि हम किस प्रयोजन से आए हैं? पेस महोदय की पुस्तिका के लेख में अपने नाम अंकित करवाने हेतु। हे भगवान, इसे कैसे पता? पंडित रामकृष्ण, पेस महोदय तो अपना लेख लिख रहे हैं। आप हट जाइए, हमें युद्ध करने दीजिए। हटिए हटिए। महाराज, आपको ज्ञात भी है कि पेस महोदय अपनी पुस्तिका में लिख भी क्या रहे हैं? नहीं, ज्ञात तो नहीं है पंडित रामकृष्ण। टिल्लू राव महाराज, ये टिल्लू राव है। इन्हें पुर्तगाली भाषा का ज्ञान है। प्रणाम महाराज। पंडित रामकृष्ण, आप सिद्ध क्या करना चाहते हैं? महाराज, आप टिल्लू राव को एक बार पेस महोदय की पुस्तिका पढ़ने का अवसर दें। सत्य अपने आप सबको ज्ञात हो जाएगा। महाराज कृष्णदेव राय जी, हमें गर्मी लग रही है, और जब हमको गर्मी लगती है तो हमारा भय बढ़ जाता है। आइए शिविर में बैठ के अंदर बात करते हैं। विचार तो उचित है। जी जी महाराज, उचित विचार है। आ जाइए। पंडित रामकृष्ण जो आगे। महाराज, टिल्लू राव, पेस महोदय की पुस्तिका का अनुवाद करो। विजयनगर एक समृद्ध राज्य है जिसका संचालन महाराज कृष्णदेव राय बहुत ही कुशलतापूर्वक करते हैं। डोमिंगो महोदय अत्यंत ज्ञानी है आप। टिल्लू राव, 2-3 पृष्ठ आगे से पढ़ो। क्यों? अच्छा तो लिखा है। क्यों पंडित रामकृष्ण, आपसे महाराज की प्रशंसा सुनी नहीं जा रही है। महाराज, मुख्य कथा तो आगे प्रारंभ होगी। आगे से उचित। टिल्लू राव जी, पंडित रामकृष्ण जैसा कह रहे हैं वैसा कीजिए। आप आगे से पढ़िए थोड़ा। महाराज कृष्णदेव राय ने आज हमें भोज पर आमंत्रित किया था। राजगुरु तथाचार्य के घर जाकर हम बहुत व्याकुल हो गए थे। वह हमारे सामने सब नाटक कर रहे थे। राजगुरु की धर्मपत्नी प्रिय अपने पति को भगवान मानती है, पर उन्हें ज्ञात नहीं है कि उनके पति। टिल्लू राव, 2-3 पृष्ठ आगे कर दो। रानी तिरुमालम्मा द्वारा बनाया गया भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। भोजन ग्रहण करके आत्मा को तृप्ति मिली, पर हमें आश्चर्य हुआ कि महाराज ने भोजन ग्रहण नहीं किया। रानी तिरुमालम्मा ने महाराज के लिए कुछ विशेष व्यंजन बनाकर लाए थे, उसे महाराज ने ग्रहण किया। फिर हमें समझ में आया कि महाराज अपने साथ फूलदान लेकर क्यों बैठे हुए थे। इसका कारण यह था कि टिल्लू राम जी, वो थोड़ा और आगे से पढ़िए। समस्त विजयनगर में हमें एकमात्र पंडित रामकृष्ण ही ऐसा मनुष्य मिला जिन्होंने अपना नाम पुस्तिका में अंकित होने हेतु हमारे समक्ष किसी भी प्रकार का नाटक नहीं किया। वह जैसा है उन्होंने अपने आप को वैसा ही प्रदर्शित किया। हम उसके घर भी गए, उसकी अम्मा, शारदा और गुंडप्पा से मिले। वो एक बहुत ही अच्छा परिवार है। अच्छा परिवार है। टिल्लू राव, 2-3 पृष्ठ आगे से पढ़ो। उठा लो। क्या? आपसे नहीं, अपने पति से कह रहे हैं। अपनी प्रशंसा का आनंद उठा लो। हमारे बारे में उल्लेख हुआ तो बोल दिया आगे बढ़ो। अब किसी का समय प्रतिकूल हो तो उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। पढ़ो टिल्लू राव, उसी पृष्ठ से पढ़ो। हाँ जी। विजयनगर में अगर कोई सबसे सबसे क्या सबसे 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 किए चले जा रहे हो? क्या सबसे? क्षमा कीजिए, हमें इस शब्द का हिंदी रूपांतरण ज्ञात नहीं हो रहा है। पेस महोदय, आप इसे हिंदी में क्या कहेंगे? चतुर नहीं, चलाक नहीं, चलाक नहीं, कपटी। आपका अर्थ है कपटी। यस यस, कपटी कपटी। हाँ। अगर कोई विजयनगर में सबसे कपटी है तो वो है, अगर सबसे कोई कपटी है तो वो है अम्मा और शारदा। इनसे अधिक कपटी भी कोई और है क्या? आप तो सोचे हमारे गुरुजी। तुम आगे पढ़ो। जिन्होंने पंडित रामकृष्ण का जीवन मुहाल कर दिया है, और वह जो छोटू है गुंडप्पा, वो जितना छोटा है उतना ही खोटा है। अम्मा और शारदा के धूर्तता के बारे में लिखते लिखते हमारी पूरी पुस्तिका भर जाएगी। पृष्ठ बदलो, आगे बढ़ो। पृष्ठ बदलो, आगे बढ़ो। टिल्लू जी आगे पढ़ो। विजयनगर और चंदनगौड़ा के बीच युद्ध आरंभ होने जा रहा है, पर हमारी सूचना के अनुसार चंदनगौड़ा एक शक्तिहीन राजा का शक्तिहीन राज्य है। हमें संदेह है कहीं एक कोई और नया नाटक तो नहीं रचा जा रहा है। हमने विजयनगर में बहुत समय व्यतीत कर दिया है। हमें जो जानना था वो हमने जान लिया है। हम जब तक विजयनगर में रहेंगे यह नाटक चलता ही रहेगा, इसलिए हमें विजयनगर से प्रस्थान करना होगा। रुके रुके, ये पेश महोदय तो युद्ध स्थल में भी लिख रहे थे। वो पढ़िए, जब हमने अकेले चंदनगौड़ा की सेना को युद्ध स्थल में खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर ललकारा था। गुरुवर, जब पेस महोदय युद्ध स्थल में समय व्यतीत कर रहे थे, उनका लेखन कार्य तो समाप्त हो चुका था। महाराज, क्या आप भी देखना चाहेंगे कि आगे के पृष्ठों में क्या है? नहीं, हमारा हो गया है, आगे बढ़िए। आशा है हमने जो भी लिखा है आपको बुरा नहीं लगे होगा। हमारा सम्मान हमारे देश में इसलिए है क्योंकि हम अपने लेखन के साथ शानदार है। आपका अर्थ है ईमानदार? यस, जो सच है वो ही लिखता है। अवश्य पेश महोदय, हम समझ सकते हैं आप अपनी कला के साथ ईमानदार है, इसलिए आपका नाम है। हम समझ सकते हैं। वैसे पंडित रामकृष्ण, युद्ध स्थल पर हमारी रानियों को बुलाने का आयोजन आपने तो नहीं किया था कहीं? वो महाराज जी, महाराज। और हमारी रानियों का भी? क्या आप हमारी रानियों से भी मिले थे? वो महाराज कहे कि मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला था, केवल कबूतर के माध्यम से सूचना भिजवा दी थी। क्षमा करें महाराज, किंतु मुझे ये सब करना पड़ा। दोनों राज्यों की सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थी, कुछ भी हो सकता था। यदि मामला और गंभीर हो जाता तो हम सबकी हानि होती, और पेश महोदय तो सब सच जान ही लेते। क्षमा करें यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो। नहीं पंडित रामकृष्ण, आपसे कोई त्रुटि नहीं हुई है। आपने जो भी किया उचित किया है। पेश महोदय, यदि आप विजयनगर राज्य के वर्चस्व के विषय में जानना चाहते हैं तो जाइए उन महाराजाओं से पूछिए, उन राज्यों से पूछिए जिन्होंने विजयनगर राज्य की तरफ आंख उठाकर देखने का प्रयास किया हो, या हम पर आक्रमण करने के विषय में विचार किया हो। वो आपको बताएंगे हम क्या है, हमारी सेना, हमारी प्रजा का बल क्या है। वो हमें पहले से ज्ञात है महाराज। अद्भुत। और पेश महोदय, यदि आप चंदनगौड़ा के विषय में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। स्मरण रहे, चंदनगौड़ा एक शक्तिहीन राज्य था। परंतु अब से नहीं होगा, क्योंकि हम हमारे मित्र को वचन देते हैं आज कि आज के पश्चात जब भी चंदनगौड़ा को किसी सहायता की आवश्यकता होगी, विजयनगर राज्य उनके साथ होगा। वाह, बस हमारी आंखों में आंसू आ गए। और भावुक न कीजिए, वरना ले लेकर देने पड़ जाएंगे। महाराज कृष्णदेव राय, बहुत अच्छा, थैंक यू। अब हम कुछ दिन चंदनगौड़ा राजा में रहेगा। बिल्कुल नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? अर्थात हमारा सौभाग्य होगा कि आप पधारे, परंतु अगर आपको लिखना है तो आप दिल्ली के दरबार के बारे में लिखिए। आपने बादशाह बाबर का नाम सुना होगा, आप दिल्ली की तरफ प्रस्थान कीजिए। ठीक है, जैसे आप चाहे। बाय बोली। सुनिए, भविष्य में मिले ना तो हम तुम्हें लिखना सिखाएंगे। पंडित रामकृष्ण, बधाई। पुर्तगाली डोमिंगो पेस की पुस्तक में आपको एक सच्चा मनुष्य कहकर संबोधित किया गया है। हम भी आपका अनुसरण ऐसे ही करेंगे। जैसे आप हैं आपको वैसे ही प्रस्तुत करेंगे। यही एकमात्र उपाय है किसी ऐतिहासिक पुस्तक में सम्मान पाने का। महाराज नरसिंहवर्धन जी, यही एकमात्र उपाय है जीवन की पुस्तिका में भी सम्मान प्राप्त करने का। वो हस्ती हस्ती ही क्या जो बदल जाए, वो हस्ती हस्ती ही क्या जो बदल जाए, समस्याओं की धूप में जो झुलस जाए, तपती हुई लू को भी जो मुस्कुराते हुए सहन कर जाए और संकटों के आगे बाहें फैलाए मुस्कुराए, वही वास्तव में इस संसार में सच्चा मनुष्य कहलाए। वाह अनुकरणी, अद्भुत, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वही पंडित रामकृष्ण कहलाए। बिल्कुल, और सत्य है, आपने युद्धाभ्यास रुकवा दिया, अन्यथा लेने की देने पड़ जाते। महाराज, आज आपको भोजन ग्रहण करते समय पीड़ा और उसके उपरांत पश्चाताप होगा। क्यों महारानी तिरुमालम्बा, ऐसा आज आपने क्या बना दिया? महाराज, आज हम अपने हाथों से आपके लिए भोजन नहीं बना सके। सत्य कह रही आप, आज हमें विश्वास हो गया। थोड़ा विलंब से ही सही, परंतु ईश्वर हमारी बात सुनते अवश्य है। महाराज, हम समझे नहीं, आपके कहने का अभिप्राय क्या है? नहीं नहीं, आपको समझने की आवश्यकता भी नहीं है, आप अपने मस्तिष्क को भार रहित रखिए। परंतु महाराज, वो तो तब होगा ना जब आप महारानी तिरुमालम्बा से ये पूछेंगे कि वे आपके लिए भोजन क्यों नहीं बना पाए। क्यों? वो महाराज, आज हम बगीचे में बैठे थे, वहाँ ठंडी ठंडी वायु चल रही थी, अनेकों अनेक रंग के पुष्प खिले हुए थे। आरंभ में तो हमें समझने में कठिनाई हुआ क्यों पुष्प अधिक सुंदर है या उनकी महक अधिक श्रेष्ठ है। बस महाराज, हम उन पुष्प और उनकी महक में खो गए, इसीलिए हम आपके लिए भोजन नहीं बना पाए। अद्भुत, ये तो अत्यंत दुख की बात है। महाराज, हम ये कहना चाहते हैं कि महाराज की जय। आइए महामंत्री जी, आइए, अत्यंत उचित समय पर आए हैं। अभी अभी हमें महारानी तिरुमालम्बा और पुष्पों के बीच की जो प्रेम कथा है उस विषय में ज्ञात हुआ है, और महामंत्री जी हम चाहते हैं कि आप विजयनगर राज्य में 10 अप्रतिम, अद्भुत, अविश्वसनीय उद्यानों का निर्माण कीजिए। अब जी जी महाराज। अब क्या महाराज? उद्यान महामंत्री जी। अब अवश्य अवश्य महाराज। और हाँ महामंत्री जी, स्मरण रहे कि ये सारे बगीचे अति दुर्लभ पुष्पों से सुसज्जित होने चाहिए। जी जी महाराज। जिनमें हमारी छोटी महारानी जी उलझ जाएं और हमारा जीवन सुलझ जाए। चलिए भोजन आरंभ करें, यदि आपकी जी अनुमति हो तो। ये किस प्रकार का भोजन है? ये इतना सादा फीका निरस भोजन है। हम महाराज विजयनगर राज्य के, कोई रोगी या योगी नहीं है। ऐसा उबला हुआ भोजन, इसमें कोई स्वाद ही नहीं है। इतना उबला हुआ फीका सा भोजन हमें क्यों परोसा गया है? महाराज, यही तो हम कब से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे समस्त मसाले लंका से आते हैं, जिनका स्वाद आपको बहुत पसंद है, वही स्वाद आपको भाता है, हम जानते हैं। परंतु पिछले महीने वहाँ से कुछ भी नहीं आया, समस्त मसाले समाप्त हो गए, इसलिए भोजन में डाले नहीं गए हैं, इसलिए भोजन बेस्वाद है। हाँ महाराज, श्रीलंका से कुछ नहीं आ रहा है। हमने भी स्वर्ण आभूषण मंगवाए थे, परंतु वो भी नहीं आए। तो अब हम खाएंगे क्या? महाराज, आप चिंता ना करें, हमारे कल के बनाए व्यंजन भी हैं, आप उन्हें ग्रहण कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, कदापि नहीं। वैसे भी बासी भोजन खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, और कभी कभी ऐसा उबला हुआ सात्विक भोजन भी खाना चाहिए ना, पाचन शक्ति हेतु। महाराज, हम आपको यही सूचना देने आए थे, परंतु पुष्पों में उलझ कर रह गए। महाराज, अभी अभी हमारे गुप्तचरों ने हमें सूचित किया है कि श्रीलंका में गृह युद्ध होने का अंदेशा है, और वहाँ के महाराज धर्मपाल कहीं गायब हो गए हैं। महाराज, क्या महाराज धर्मपाल गायब हो गए? जी महाराज, किसी वनवास या फिर कोई अज्ञातवास में चले गए हैं, किसी को कुछ खबर नहीं, और महाराज धर्मपाल ने किसी को सूचित भी नहीं किया। हाँ मंत्री जी, ये तो अत्यंत विषम परिस्थिति है। श्रीलंका के महाराज धर्मपाल जी हमारे प्रिय मित्र हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि इतना कुछ घटित होने के पश्चात भी ना तो उन्होंने हमसे संपर्क साधा और ना ही हमें कोई संदेश भेजा। महाराज, यही विषय विचारणीय है कि महाराज धर्मपाल की ओर से हमें कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई, और केवल हमारे गुप्तचरों ने हमें गृह युद्ध की स्थिति की खबर दी। महामंत्री जी। जी महाराज। सभा बुलाइए, हम अभी इसी समय दरबार चलेंगे। रानी मुनमुन मुनमुन तुम कहाँ? इक्का दिक्का थुन्ना रानी मुनमुन, रानी तुम्हारे बिना सब सूना सूना। चली आओ रानी, यदि तुम नहीं आई तो हमारा हृदय छिन्न भिन्न हो जाएगा। रानी, तुम्हारा हृदय छिन्न हो जाए, बहन हो जाए, आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। महारानी मुनमुन, आज ये तुम्हारा कैसा अवतार? शांत शांत। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, आज प्रलय आएगा, आज तांडव होगा। प्रलय तुम लाना, तांडव तुम करना, मैंने क्या करना? महारानी, मुझे राक्षसों का वध करने जाना है। घोड़ा बनो, घोड़ा बनो, चल मेरे घोड़े, कदम बढ़ा, छलांग मार, चल दौड़, भाग मेरे घोड़े। भरपेट भोजन के उपरांत दिन के इस दूसरे पहर में संसार की किसी भी मूल्यवान वस्तु से अधिक प्रिय निद्रा ले रहे थे। पता नहीं क्या हुआ, महाराज ने दरबार सभा में बुला लिया। गुरुजी, पूर्ण रूप से पहले भरा नहीं होगा ना, अचानक से अंतिम बूंद समाई होगी और फूट गया होगा। क्या फूट गया होगा? आपके पाप का घड़ा। गुरुजी, संभव है कि पूर्व में आपके द्वारा किए गए किसी पाप से पर्दा उठ गया हो महाराज के सामने, इसीलिए महाराज ने सभा बुलाई है ताकि आपको दंड दे सके। सत्य कहानी गुरुजी। मूर्खों, दुष्टों, नालायकों, दरबार है इसलिए बच गए, अन्यथा ऐसा दंड देते जीवन पर्यंत अपने हाथों की भाग्य रेखाओं में खोज नहीं पाते, भस्म कर देंगे। मंत्रीवर, क्या आपको ज्ञात है महाराज ने किस प्रयोजन से ये दरबार सभा बुलाई है? हमें ज्ञात है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य से यह सभा बुलाई गई। क्या है वो अति महत्वपूर्ण कार्य? पंडित रामकृष्ण, अति महत्वपूर्ण कार्य है, महाराज स्वयं इसके संदर्भ में आपको बताएंगे। अच्छा। महाराज कृष्णदेव राय पधार रहे हैं। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। कहीं धनी मनी की वाणी सत्य तो सिद्ध नहीं होगी? गुरुवर। महाराज, हमें क्षमा कर दो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.